नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश 12वीं कक्षा के पेपर पर बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो भूगोल की कक्षा 12वीं का पेपर रहता था दोस्तों, उसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, चाहे जिन्होंने भूगोल चुना है चाहे नहीं चुना है। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होगा, अगर भूगोल की परीक्षा होगी तभी जाकर रिजल्ट जो है तो घोषित किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आज जो है 210 परीक्षा केंद्रों का चयन कर लिया गया है। ये जानकारी जो है जो स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, उन्होंने दी कि हिमाचल प्रदेश में 210 केंद्र जो है तो चयन कर लिया गया है। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक जरूरी जानकारी ये भी दूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी जो है उसका स्कूल दूर है या परीक्षा केंद्र दूर है तो वो किस तरह से पेपर दे सकता है या कोई हिमाचल से बाहर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं पहले कि अगर कोई विद्यार्थी जो परीक्षा केंद्र उसका दूर है या स्कूल दूर है तो वो किस तरह से पेपर दे सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लॉकडाउन के कारण अगर कोई छात्र अपने स्कूल और परीक्षा केंद्र से दूर है दोस्तों, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो भी संबंधित छात्र होगा वो अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकेगा। जरूरी नहीं है कि जहां पर उसका परीक्षा केंद्र आए वहीं पर वह परीक्षा दे या जहां पर उसका स्कूल है वहीं पर दे, कोई भी उसके नजदीकी स्कूल है या कोई भी उसके नजदीकी परीक्षा केंद्र है वहां पर वो परीक्षा दे सकता है। ये प्रावधान इसमें किया गया है और काफी अच्छी बात है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों इसमें कि कोई अगर हिमाचल से बाहर है तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों वो विद्यार्थी कह सकते हैं कि बाद में पेपर दे सकता है अगर कोई हिमाचल प्रदेश से भी बाहर है। ठीक है, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में करीब 4000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ऐच्छिक विषय के रूप में जो है भूगोल का चयन किया था। अब 4000 छात्रों की जो परीक्षा होगी वो कब तक होगी, आपके मन में ये सवाल होगा दोस्तों। तो मैं इस पर बता दूं कि लॉकडाउन खुलने तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, इस पर निर्णय जो लिया जाएगा लॉकडाउन खुलने के बाद ही लिया जाएगा। परंतु दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 210 केंद्र जो बनाए गए हैं, ठीक है, उनको फाइनल अप कर दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या केंद्र है जल्द ही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी। साथ में दोस्तों इसकी जो परीक्षा कब होगी इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है क्योंकि लॉकडाउन है। अभी लॉकडाउन जो 4.0 अगर लागू होता है, ठीक है, लॉकडाउन 4 जो अभी लागू होता है तो उसमें क्या कुछ रियायतें मिलती है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि सारा जो केंद्र की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से भी ये जो है फैसला लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों जो भी इस पर अपडेट रहती है हम उसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जैसे इसकी तिथि भी घोषित होती है तो हम आपको इसकी तिथि भी बताएंगे कब तक एग्जाम करवाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।